सुशांत की मौत वाले दिन को लेकर अब तक का सबसे हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पहली बार सुशांत की सुसाइड वाले दिन उनकी मौत के बाद से लेकर देर शाम तक उनका नाम लेकर व्हाट्सएप पर सीक्रेट चैट की गई, एक ऐसी डीलिंग जिसे लेकर जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि सुशांत ने सुसाइड से पहले जिस डील को शुरू किया था उनकी मौत के दिन कोई उन्हीं के घर में बैठकर उसी डील के बारे में व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था। मौत के बाद सुशांत के नाम पर किसने की थी? सुसाइड के 5 घंटे बाद तक सीक्रेट चैट का राज। मौत के बाद सुशांत के बहाने कौन सी डील हुई? मौत से पहले और मौत के बाद सुशांत पर चैट का राज। सुशांत की खुदकुशी वाले दिन सुबह उनकी मौत के बाद से लेकर शाम तक एक शख्स ने किसी खास आदमी से सुशांत का नाम लेकर बात की थी। वो शख्स सीबीआई के रडार पर है। उस शख्स का नाम है दीपेश सावंत। 14 जून को सुबह 10:51 पर चैट शुरू हुई। 14 जून की शाम 4:29 तक चैट हुई। 14 जून को सुशांत की मौत के 5 घंटे बाद तक चैट हुई। सुशांत की मौत के बाद उनके नाम पर दीपेश ने व्हाट्सएप चैट में जो डील वाली बात की है उसने सीबीआई को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस पूरी चैट में कई ऐसी बातें हैं जो सुशांत के स्टाफ दीपेश पर सीबीआई का शक बढ़ा रही है। सुशांत का स्टाफ दीपेश सावंत की सुशांत के नाम लेकर की गई व्हाट्सएप चैट का पूरा सच आपको दिखाते हैं। दीपेश सावंत ने सुशांत की मौत वाले दिन उनके सुसाइड की खबर आने के आसपास ही चैट शुरू कर दी थी। हाय सर, एसएसआर ने मुझे डील को लेकर आपके संपर्क में रहने के लिए कहा है। भाई ये क्या ये नंबर सेफ है? कृपया हाँ या ना में जवाब दें। भाई हम लोग बाहर हैं, अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बताना। भाई कोई मदद चाहिए तो फोन करना, हम 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। दीपेश सावंत के व्हाट्सएप चैट से साफ है कि उसने सुशांत का नाम लेकर किसी शख्स से डील पर बात कर रहा था। दरअसल जिस शख्स ने दीपेश सावंत से सुशांत की मौत वाले दिन यानी 14 जून को सुबह से लेकर शाम तक चैट की थी, उसी के साथ सुशांत ने 9 जून को व्हाट्सएप पर बात की थी। भाई आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें किसका नंबर दो? दीपेश मेरे साथ है। ओके भाई डन। डील को लेकर किसी शख्स के साथ पहले सुशांत की डीलिंग और फिर दीपेश सावंत के साथ उसी शख्स की उसी डील को लेकर व्हाट्सएप चैट, वो भी सुशांत की मौत वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक। लगातार चैट का राज सीबीआई को दीपेश से पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। इस चैट के सामने आने के बाद सीबीआई दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है और जानना चाहती है कि आखिर इस चैट के मायने क्या हैं, यह कौन सा शख्स है जो दीपेश सावंत को शाम तक मैसेज करता रहा, क्योंकि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी थी लेकिन दीपेश को यह मैसेज लगातार मिल रहे थे।